हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ इसीलिए चल रही थी हमारी, और आज इसका पार्ट 11 है गाइज। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, विशंबर दत्त चंदोला की यहाँ पे बात करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था इन पर कि उत्तराखंड में किस व्यक्ति को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो चंदोला जी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जीवन परिचय, ठीक है। तो मैं बात करूं विश्वंबर दत्त चंदोला, इनका जन्म हुआ था गाइज सन 1879 में, और इनका जन्म स्थान है थापली गाँव पौड़ी गढ़वाल। तो थापली गांव में इनका जन्म हुआ, पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है थापली गांव। और 1879 में उनकी विधायक जो थी प्रमुख, उनकी बात करूं तो एक पत्रकार थे ये, ठीक है। संपादक का काफ़ी कार्य इन्होंने संभाला, और उसके साथ साथ समाजसेवी थे, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर इन्होंने कार्य किया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, और इसी के लिए इनको उपलब्धि दी गई गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मेरे वरियस कोर्स चल रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। और अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें, और डायरेक्टली आप मेरी प्रोफाइल से विजिट कर लेंगे। तो देखिए, 21 वर्ष, देखिए पत्रकारिता का बड़ा इनके अंदर जज्बा था, और बचपन से ही इनकी चाहत थी पत्रकारिता की तरफ। और मात्र 21 वर्ष की आयु में, 1900 की यहाँ पे बात हो रही है, सन 1900 में 21 वर्ष की आयु थी इनकी, तो 21 वर्ष की आयु में पत्रकारिता से जुड़ गई है, ठीक है। देखिए, 1901 में मैंने आपको बताया था, अभी गढ़वाल में जन जागरण जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1901 में गढ़वाल में एक संगठन बना जिसका नाम था गढ़वाल यूनियन, ठीक है। गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा बनी थी ना 1901 में। तो 1901 में जब ये गढ़वाल यूनियन बना था, तो गढ़वाल यूनियन में काफ़ी लोगों का यहाँ पे योगदान था इसको बनाने में। जैसे मैं बात करूँ, तारादत्त गैरोला जी थे, चंद्रमोहन रतोड़ी थे, चंदोला जी थे, गिरजादत्त नैथानी थे, धनीराम मिश्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और दानवीर, जो गढ़वाल का दानवीर खंडूरी जी थे। तो काफ़ी लोगों के सहयोग से और काफ़ी लोगों के प्रयासों से गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी, और इस गढ़वाल यूनियन के ये उपमंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गढ़वाल यूनियन के उपमंत्री थे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये मिलता है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में। तो गढ़वाल यूनियन के उपमंत्री थे, 21 वर्ष की आयु में काफ़ी शौक चढ़ गया इनको पत्रकारिता का, उसके बाद तो फिर ये रम गए पत्रकारिता में। और उसके बाद देखिए, गढ़वाली जो मासिक पत्र शुरू हुआ 1905 से, तो गढ़वाली मासिक पत्र में काफ़ी कार्य किया इन्होंने, ठीक है। तो गढ़वाली मासिक पत्र की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके संपादन का जो कार्यभार संभाला, वो संभाला था किसने, नैथानी जी ने, ठीक है, गिरिजा प्रसाद नैथानी जी ने संभाला था। लेकिन उसके बाद नैथानी जी का कुछ मतभेद हो गया गढ़वाल यूनियन के अन्य संचालकों से, अन्य संपादकों से, तो वो लीव कर गए। और लीव करने के बीच में फिर 1910 से यहाँ पे इसका कार्यभार संभाला था तारादत्त गैरोला जी ने। फिर गढ़वाली जो समाचार था उसका तारादत्त गैरोला जी आए संपादक बन के, लेकिन फिर उसके बाद वो भी छोड़ गए। तो 1915 में इन्हें मौका मिला, तो इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बोल सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था, 1915 में गढ़वाली के मुख्य संपादक बन गए, ठीक है। और नैथानी जी चले गए अपने गाँव नैथाना, और वहाँ से 1917 में कौन सा शुरू कर दिया उन्होंने, विशाल कीर्ति, ठीक है। तो अब देखिए, 1915 में गढ़वाली के संपादक रहे, और 1925 तक लगभग 10 वर्षों तक संपादन का इन्होंने कार्य किया था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन सकता है कि विश्वंबर दत्त चंदोला जी किस वर्ष गढ़वाली जो समाचार पत्र था उसके संपादक बनाए गए, तो ये वर्ष था 1915, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और गढ़वाली मासिक पत्र की शुरुआत कब से हुई थी, 1905 से। इसकी मैं आपको पहले ही वीडियोस दे चुका हूँ, उत्तराखंड में गढ़वाल में आंचलिक पत्रकारिता। अब देखिए, अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी पत्रकारिता में आगे बढ़ गए थे। इसी बीच देखिए, कांड हो जाता है टिहरी रियासत का, ये कांड कहलाता है एक हिसाब से, ठीक है, रवाई गोली कांड, जिसको टिहरी का
जलियावाला बाग कांड भी कहा जाता है, जलियावाला कांड कहा जाता है टिहरी का, ठीक है। तो रवाई कांड, तिलाड़ी कांड जो कि वन कानून के विरोध में हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ कि जो उस समय टिहरी रियासत का दीवान था चक्रधर जुयाल ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी, जो आंदोलन कर रही थी भीड़ उस पर गोली चला दी, ठीक है। और इस घटना का पूरा जिक्र किया इन्होंने समाचार पत्रों में। तो इसके लिए टिहरी रियासत के तरफ से इनको 1 वर्ष का कारावास हुआ और साथ में काफ़ी जुर्माना भी भरना पड़ा था, ठीक है। तो फिर भी देखिए इनका पैसन हम देख सकते हैं कि उसके बाद भी नहीं रुके, काफ़ी और इन्होंने कार्य किया पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया आपको, रवाई गोली कांड या तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 1930 में। तिलाड़ी कांड को क्या बोला जाता है, टिहरी का जलियावाला कांड, ठीक है। ध्यान रखेंगे जलियावाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था, सेम उसी की तरह यहाँ पर भी इस रवाई गोली कांड में क्या किया, दीवान ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी। जैसे जलियावाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी वहां पे, जो रोलेट एक्ट का विरोध करने आए थे लोग जलियावाला बाग अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो इस घटना का जिक्र किया और इसके बाद जेल हो गई इनको, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया आज की वीडियो का कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह, तो पत्रकारिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने और इसी के लिए इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगस्त 1970 पंचतत्व में विलीन हो गए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कार्य किया इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में और गढ़वाली को एक हिसाब से बोलूँ मैं, गढ़वाली के देखिए 1915 में बोला ना मैंने जब भी गढ़वाली के संपादक बने, तो देखिए इसके बाद काफ़ी लहरें चली। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग प्रस्ताव यहाँ पे भी पारित हुआ। 21 में कुली बेगार आंदोलन खत्म हुआ, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ों को कवर किया इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है, 1925 तक। उसके बाद चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, उत्तराखंड में भी उस टाइम पे काफ़ी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी 1924 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने तथ्यों को अपने संपादन के अनुभव से उकेरा था समाचार पत्रों में। तो एक अभूतपूर्व योगदान रहा विश्वंभर दत्त चंदोला जी का पत्रकारिता में और इसीलिए इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। और कंपैरिजन करने योग्य कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितना इन्होंने किया है उत्तराखंड में पत्रकारिता के लिए शायद ही कोई दूसरा हो, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में किसी अन्य महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, जल्दी ही आपका देखिए जो विज्ञप्ति है उत्तराखंड राज्य की वो निकलने वाली है, तो आप प्रिपेयर रहे और साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कीजिए मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।